को तारीख है 28/10/11 और आज भी फिर एक बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन को कहते हैं भाई दूज या भैया बीज, भाई बीज, अर्थात विशेष आज आत्मा आत्मा भाई भाई है, यह स्मृति दिलाने वाला विशेष भाइयों का दिन। हाँ, तो बहनें क्या करती हैं? फिर बहनें अपने भाइयों को उस दिन या तो अपने घर बुलाती हैं या फिर भाई बहनों के घर जाते हैं। फिर बहनें भाइयों को बहुत सम्मान से सत्कार करती हैं। भाई बहन बैठकर आपस में मंगल मिलन मनाते हुए मीठी मीठी रूरिहान करते और आपस में भोजन करते और फिर भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ सौगात देता है। इस प्रकार आज के दिन को भी बहुत बड़े रूप से मनाया जाता है। तो आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे माया से डरो मत, भले कितना भी वो भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं, अमृत वेले उठकर याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है आज का, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर है जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते, सबसे आगे वही जाते। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते तो फिर बच्चों पर बाप भी कुर्बान जाते। तुम मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि तुम अपना कखपन, माना जो भी कचरा है अंदर में, कखपन, पुराना तन मन धन सब बाप को देते हो और बाप तुम्हें बदली में क्या देते हैं? विश्व की बादशाही देता, इसलिए उसे गरीब नवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने के लिए बाप आए हैं। अच्छा गीत बजा है हम सबके भक्ति मार्ग के अनुभव का, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है और रूहानी सेवा में लग जाना है। नंबर दो है, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है और याद के यात्रा की मेहनत करनी है। वरदान आज का, अतिंद्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति, शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होगी और इसी अतिंद्रिय सुखमय स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आवाहन कर सकेंगे। ये पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति के द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। स्लोगन है, हरेक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बनो,
तो संगठन एक मत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।